हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो यार गाइस, मेरा ना गला थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो फिर तबीयत भी ठीक नहीं चल रही। सो आज सोचा उन्होंने और सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू यार। तो बस आज मैं जा रही हूँ घूमने के लिए। देख सकते हो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, ये चीज़ है। तो अभी मैं जा रही हूँ साकेत, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ, ये चीज़ है। तो आज हम जा रहे हैं ऑफिस में, फ्री टाइम था तो सोचा घूमने चले जाते, तो ये चीज़ है। तो सोचा मॉल भी घूम लेते हैं, क्योंकि चीज़ का जैसे सजावट हुई थी। देखते मौसम काफ़ी अच्छा था, तो अरे चलान वलान भी बहुत कट रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा हेलमेट लगा लेना चाहिए। तो देखते कैसी लग रही हूँ, ये चीज़ है। मौसम तो अभी तो बहुत ही अच्छा था, इतनी चीज़ें हवा भी चल रही थी, तो मस्त मज़ा ही आ गया। हम जैसे ही आगे गए तो देखो मौसम जो है अभी ख़राब होना स्टार्ट ही हो गया है, ये चीज़ है। तो देखो यहाँ पर इतनी तेज की बारिश हो रही थी, इसका कोई जवाब नहीं। वही आधे एक घंटे तक बारिश होती रही, तो हम यहीं पे खड़े रहे। जाने के लिए भी एक घंटा लेट हो गए, ये चीज़ है। पर नज़ारा देखते हुए फूल कितने क्यूट लग रहे हैं, ये चीज़ है। और पूरा मौसम ही इतना ज़्यादा मतलब मस्त हो रखा था, जिसका कोई जवाब नहीं। अपना सा भी टाइम जो रहा था वो 2 बजे थे, देख सकते कितनी बारिश वारिश हो रखी है, ये चीज़ है। देख सकते पूरी भीगी गई, ऊपर से तबीयत भी ख़राब थी और फिर तो भीगी गई। वैसे मेट्रो से जाने की सोचे थे, बट स्कूटी से घूमने का तो मज़ा ही कुछ और होता, तो वो चीज़ है देख सकते हो। पर मज़ा होता है, भीग गई कोई नहीं, तबीयत भी ठीक नहीं थी, ख़राब तो थी थोड़ी और ही हो जाए, वही चीज़ है। तो देख सकते हो, तो अभी हम आ गए मॉल के अंदर, एंट्री कर ली हमने, तो अभी पार्किंग की है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ पूरा मॉल। मॉल तो एक नंबर का मॉल है, खाने से लेके और बहुत ही बड़ा मॉल है, काफ़ी लोग यहाँ पे आते भी हैं, ये चीज़ें। तो मैं दिखाती हूँ पूरा मॉल किस टाइप का है, यहाँ पे क्या क्या मिलता है, ये सारी चीज़ें। तो मॉल से यहाँ पे जैसे हमने एंट्री की है, तो ये देख सकते हो मैं अपने एक फ्रेंड के साथ हुई थी, ये चीज़ें। तो दिखाती हूँ ऊपर चढ़ के पूरे मॉल की एंट्री, ये चीज़ें। तो जैसे हम मॉल में हमने एंट्री की है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर के साइड पर, यहाँ पर खाने का होता है, काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, डोसा और जो भी आप खाना चाहो। खाना एक नंबर का बहुत टेस्टी है यहाँ का, काफ़ी लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे आते भी हैं। तो ये नोएडा में है साकेत, यहाँ पे पूरा नाम तो मैं आपको बता ही चुकी, स्लैक सिटिंग मॉल है यहाँ पे, ये चीज़ें। तो हमने यहाँ पे खाया डोसा, डोसा भी बहुत टेस्टी था, जो बात है एक नंबर का। ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ महंगा हो, तो ऐसा कुछ नहीं, बाहर से बस थोड़ा महंगा होता है और कुछ नहीं। अगर कभी आप यहाँ पे आ भी रहो तो कार्ड का ज़रूर यूज़ करें, यहाँ पे कार्ड ज़्यादा चलता है, क्रेडिट कार्ड, तो वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो मैंने खाया नहीं, फिर हम यहाँ पे आए, बर्गर लिया और ये सारी चीज़ें। मुझे तो जुकाम हो रखा था, तबीयत वैसी ख़राब थी, तो बस ये शेक वगैरह पिया, तो फिर ये चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पर अगर आप कभी आते भी हो तो यहाँ का नज़ारा और खाना पीना बहुत ही अच्छा है। मॉल भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, अगर कोई आएगा तो घूम ही हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। मॉल बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें ऐसी यहाँ पे कोई चीज़ नहीं होगी जो आपको नहीं मिलेगी, सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें। मॉल तो बहुत अच्छा। फिर हमने यहाँ पे ये सब खाया, ये शेक था और ये फ्रेंच फ्राइज थे और ये बर्गर। सो तबीयत तो ठीक नहीं थी, बट फिर भी कोई नहीं, पी लिया है ये चीज़ है। सो अभी मैं ये पी रही थी, तो मन तो मतलब काफ़ी लोग देख रहे थे, अजीब सा लग रहा था कि क्या ही करे, हट को ही नहीं होता। फिर मैंने यहाँ पर बर्गर खाया, ये चीज़ है, तो हंसी आ गई थी मुझे। फिर हम यहाँ से निकल गए हैं, तो अभी मैं हम सेकंड उस पर, ये पे थर्ड है, ये थर्ड फ्लोर थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड वाले भी मिल जाते हैं आपको, ये सारी चीज़ें आप अगर बनवाना चाहो तो बनवा सकते हो, ये चीज़। फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा घूमें, यहाँ से थोड़ा सा आगे देख सकते हो मॉल। मॉल तो बहुत सुंदर है, यहाँ पे कभी भी कोई भी फेस्टिवल होता है तो मॉल को बहुत अच्छा सजाया जाता है, ये चीज़ आप देख सकते हो। काफ़ी इतने सारे मॉल्स होते हैं, उनसे थोड़ा सा अलग ही मॉल है, ये चीज़ें देख सकते हो। यहाँ की यहाँ पे भी सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलती हैं, और काफ़ी चीज़ें अच्छी खासी है, ये चीज़ें सारी चीज़ें मिलती है एक ही उसमें। तो ये देख सकते हो, ये कार थी और ये चीज़ है। और अगर यहाँ पे इससे आगे भी जाओगे तो भी मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे नीचे नायका का वो है,
अगर आप कुछ परचेस कर रहे हो तो लड़की से लेके मतलब यहाँ पे और चीज़ें आपको अवेलेबल मिलती है। ये चीज़ें तो यहाँ पे नायका का प्रोडक्ट है, अगर आप यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे थे, मैंने भी देखे थे, मैंने इसमें से एक लिया था। ये चीज़ें काफ़ी अच्छा है, मॉल तो देख सकते हो। आज 15 अगस्त वाले दिन उन्होंने ऐसे से रखा है, न्यू ईयर वाले दिन तो एक नंबर का था उस जाते हैं। ये चीज़ें काफ़ी लोग दूर दूर से यहाँ पे आते भी हैं। तो ये चीज़ें देख सकते हो, मॉल बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है। ये तो कुछ भी नहीं है, इसके आगे भी एक और मॉल भी है, 3-4 है इसी के अंदर। तो मैं ज़्यादा घूम नहीं पाई, मैं तो इतने में ही थक गई। ये चीज़ें तो हमें फिर ज़्यादा तो नहीं, और मौसम में घूम लिया था, इतने में थक गए पूरा देख के, तो ज़्यादा नहीं, बस यहाँ से हम फिर निकल ही गए थे। ये चीज़ें मैंने सोचा, देख सकते हो मॉल का सारा कुछ मैंने आपको दिखाया, मॉल बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये चीज़ें देखो पूरा का पूरा नीचे तक है, और काफ़ी सुंदर सुंदर सजा होता है ये चीज़ें। सो अभी देख लो, यहाँ पे खाने पीने की भी काफ़ी अच्छी चीज़, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेगी। ये चीज़ें तो यहाँ पे तो केक था, अगर किसी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना तो यहाँ पे भी आ सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें भी यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाता है ये चीज़ें। सो ओवरऑल ये जो मॉल है बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे ये एक था, मैंने यहाँ पे एक सेल्फी भी खिंचवाई थी। ये चीज़ें तो देख सकते हो, यहाँ पे आप जरूर आओगे तो फ़ोटो खिंचाना अच्छा लगे। तो बस अब मैं निकल ले रही हूँ, ये चीज़ें तो हम बाहर आ गए, देख सकते हो कुछ इस टाइप का दिखता है बाहर का नज़ारा। ये चीज़ें अभी इसी से थोड़ा सा आगे देखो तो यहाँ पे पानी कितना अच्छा लग रहा है, मैंने तो यहाँ पे सोचा था फ़ोटो भी खिंचवाऊँगी। ये कोई पानी वाला अच्छा लग रहा है ना, फुब्बारे बहुत अच्छा। काफ़ी लोग यहाँ पे बैठ के मतलब बातें भी करते हो, वीडियो भी बना सकते हो, तो वो सारी चीज़ें। पानी की जो वॉल्यूम की जो आवाज़ आती थी सब बहुत अच्छा था। यस, मॉल ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे तो देखो छोटी छोटी गाड़ी, यहाँ पे बड़े बड़े लोग भी सब बैठ के वीडियो वगैरह बना रहे थे। ये चीज़ें बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा मॉल है ये चीज़ें। तो बस यहाँ पे मॉल जो है अब हम निकल चुके हैं। ये चीज़ें देख सकते हो, मौसम कितना अच्छा हो रहा है, अब धूप भी निकल चुकी है। कोई कहेगा कि अभी बारिश हुई थी इतनी सारी, तो देख सकते हो मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था। तो मैं निकल गई हूँ बस रास्ते में, ये दूसरा वाला साइड था यहाँ पे। देख सकते हो मौसम, देखो कितना अच्छा हो गया, पहले ऐसा मौसम था भी नहीं, अब देखो कितना अच्छा। तो मैं मेट्रो से जा रही हूँ, ये चीज़ें देख सकते हो, आज के दिन तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, वरना मेट्रो में पैर रखने तक जगह नहीं होती, इतनी भीड़ रहती है, ये सारी चीज़ें। तो बस अब मैं उतर ही गई हूँ घर, बस थोड़ी सी दूरी पे है ये चीज़ें। तो मेट्रो के मैं पहुँची ऊपर, फिर यहाँ से मुझे एक मेट्रो लेनी पड़ती है ना, ये चीज़ें। तो अभी मेट्रो में बस उतरूँगी ये चीज़ें। तो यहाँ से उतर के सीधा मैं यहाँ से उतरी, और फिर अब जाके सीधा यहाँ से, बस मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, यहाँ से एक रिक्शा और लेना है बस। तो यहाँ से नीचे उतरते ही यहाँ पे काफ़ी सारे रिक्शे थे, तो मैंने रिक्शा लिया। तो बस मैं बैठ गई हूँ ये चीज़ें, तो बस अब निकल ही रही हूँ ये चीज़ें, देख सो शक्ल कैसे हो गई। तो बस मैं निकल गई हूँ, घर आने वाला है। ये चीज़ें इस साइड ही रहती हूँ ना मैं, ये चीज़ें तो घर अब बस आ ही गई हूँ। देख सो पूरे में पूरे पता नहीं क्यों अंधेरा हो रहा था, ये चीज़ें ऊपर के साइड, हाँ दोपहर का टाइम है तो बंद ही रहती है, वरना दिन में लाइट जलती रहती है। तो ये चीज़ें बस थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, जाके बस अभी एंट्री की है घर पे। कभी बाहर से आते तो कितना थक जाते ना, मन ही नहीं करता सीढ़ियों पे चढ़ने का, मैं तो थक ही जाती हूँ हमेशा, क्यों मैं कभी उतरती नहीं हूँ। जब एक बार आ गई तो एक ही से दो बार उतरती हूँ, अदरवाइज नहीं उतरती हूँ ये चीज़ें। तो मर मर के तो मैं चढ़ ही रही थी, इतना ऊपर चढ़ती तो थक ही जाती हूँ ये चीज़ें। अब बिल्कुल जान नहीं रही, बस जैसे तैसे घर पहुँची, फिर अब कुंडी कट कट आई, मम्मी को आवाज़ दे रही थी, तो मम्मी निकल के आएंगे अभी। देखो एक तो घर वाले सुनते थे, फिर मैं आई ऊपर, तो अब ऊपर का नज़ारा देख सकते हो, सब लोग पतंग बाजी कर रहे थे, उड़ा रहे थे। आज के दिन ऐसे पतंग देखते कितना मज़ा आता है ये चीज़ें। तो यहाँ पे झंडा वंडा भी लगा रखा था हम लोगों ने, आप जरूर बताना क्या आप लोगों ने झंडा लगाया था, लगाया था ये चीज़ें। तो देख सकते हो ऊपर के साइड कितनी सारा नज़ारा भी अच्छा है, मौसम भी ठीक ही हो रहा है, थैंक गॉड ये कि हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई,
बारिश हुई है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो देख सकते हो इतना पसीना आ रहा है, मौसम दिखाती हूँ आपको कैसा हो रहा है। देख सकते हो बैक के साइड का ये नज़ारा, एक नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है ना। बस गाइस वीडियो यहीं एंड करते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर।